आखिर शोहर के साथ ऐसा कौन करता है? इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, सारे घर को परेशान कर रखा है इस लड़की ने, और खुद आराम से लेटी सो रही है। लेके जाओ इस मर्दमार लड़की को, अब मैं नहीं रखनी। क्या हो गया दादी? वो मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी चलता फिरता खतरा है कासिम। अभी तो गिलास मारा है ना, और अगर कल किसी के गले पे छुरी फेर दी तो? अम्मी वो हर वक्त थोड़ी मारती है, कभी कभी हाइपर हो जाती है तो पैनिक अटैक आ जाता है उसको। पैनिक अटैक? किस बात पर? बस एहतिशाम, मेरी गलती है। उसने मीठा पान मांगा था और मैंने सौंफ खुशबू लेकर आ दिया। अरे तो मीठा पान ना लाने पे शौहर का सर कौन फोड़ता है, बताओ तो सही। फोड़ देती हैं दादी, जिनकी भाभियां उनके हक से उन्हें महरूम करती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे उनका सर भी फोड़ देती हैं और मुंह भी नोच लेती हैं। मैंने महरूम? हाँ, जब उसे आपकी ज्यादा याद आती है ना तो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाती। मगर जोया ने कौन सी ज्यादतियां कर दी? घर के किचन पे ताला लगाना ज्यादती नहीं है दाई अम्मी? मैंने? तुम कह रहे हो कि मैंने उस पे खाने पीने की चीजें छुपाई थी? ऐसे तो नहीं ना, वो सोते हुए भी आपको और आपके बच्चे को कत्ल करने की प्लानिंग करते रहती है।
कुछ तो क्या होगा ना आपने? चले अम्मी। अरे तुम निम्मी को तो बुलाओ, वो साथ जाएगी इनके। नहीं दादी, निम्मी हमारे साथ नहीं जाएगी।